आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है 10 साल सत्ता में रहने के बाद। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या वायदे करेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को बनाने में कड़ी मेहनत की है। घोषणा पत्र सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मिलकर जारी करेंगे और इस मौके पर प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र के लिए राहुल गांधी ने समाज के हर तबके से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी और कहा था कि उनकी बातों को सुनकर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको घोषणा पत्र में शामिल करने की कोशिश करेगी पार्टी। अब देखना है कि आज इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन कुमार इसमें जुड़ रहे हैं। रमन, 2009 से 2014 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो कितना अलग होने वाला है? बहुत सारी बातों का जिक्र 2009 के घोषणा पत्र में भी किया गया था और अभी आज जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है इसमें राइट टू हेल्थ एक बड़ा सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसके लिए वायदा करेगी कांग्रेस पार्टी कि इससे पहले आपने देखा था कि राइट टू फूड से लेकर तमाम राइट टू इन्फॉर्मेशन को कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि उन्होंने पूरा किया, लेकिन राइट टू हेल्थ एक बड़े प्रोग्राम के तहत जो है पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा अगर सरकार बनी तो। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि बाकी जो एजेंडा है आर्थिक एजेंडा के अलावा क्या राजनीतिक स्वरूप होगा, क्या राजनीतिक एजेंडा पार्टी की सोच है, क्या धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुटता के लिए सरकार कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से क्या पहल करने वाली है और उसका क्या खाका इस मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगा, ये सबसे अहम बात होगी।